बड़ा दिन है। फारा और शाहरुख जो है वो एक परिवार है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से फारा और शाहरुख। फारा को उनका बड़ा भाई मिल गया शाहरुख, और शाहरुख को अपनी छोटी बहन मिल गई फारा। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अनबन खत्म हो जाती है और किस एंड मेकअप होता है, तो आज यही हुआ है। Glamour when Bollywood stars came together to attend Ritesh Deshmukh and Janelia D'Souza's Sangeet ceremony. Check out what they have to say at this event. I'm very happy that today रितेश, जिसके साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया, 10 साल से मेरा दोस्त है, छोटे भाई की तरह मैंने उसे माना है, और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है साथ में। जब जब फिल्में बनाई है बहुत मस्ती की हम लोगों ने, ऊट पटांग हरकतें की हम लोगों ने, लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि उसे जिनेलिया जैसी लड़की मिली है जो वाकई में उसे बहुत खुश रखने वाली है। बहुत लकी है रितेश, और जिनेलिया उससे ज़्यादा लकी है। विश जिनेलिया एंड रितेश ऑल द बेस्ट। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि वेलकम टू द क्लब यार। डांस करेंगे आप? ऑफ कोर्स, रितेश बहुत ही अच्छे दोस्त है मेरे, और जिनेलिया भी बहुत अच्छी दोस्त है। ऑफ कोर्स जितना मेरे से हो पाता उतना करूंगा, और अच्छा है कि कोरियोग्राफ नहीं है तो शायद डांस कर पाऊंगा। मैं स्पेशली रितेश और जिनेलिया के लिए ये कहूंगी कि Love both of them. I'm really, really happy for them. God bless them a lot. किस तरह का समारोह रहा अंदर? किस तरह से सब कुछ proceedings हुई अंदर? मैं क्यों बताऊँ आपको? क्या आप हमारे अपने हो इसलिए अपने लोग? अच्छा लग रहा है। मिलन सार साहब माहौल रहा है। जी। लोग enjoy कर रहे हैं। संगीत का माहौल है। और बहुत गर्मी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर आप लोग मीडिया की जो जितनी ग्लेयर है गर्मी और भी बढ़ा रही है, तो आप जरा इसे एंजॉय करें। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फारा और शाहरुख का जो इतना ऑन गोइंग नेगेटिविटी था हर जगह, मीडिया में हर जगह आ रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में जो बात फैल रही थी, वो कहीं ना कहीं आज सबके दिमाग पे एक तरह से काम आ गया है कि फारा और शाहरुख जो हैं वो एक परिवार हैं। और मैं हमेशा पिछले 3 साल से यही कहता आ रहा था कि देर आर नो परमानेंट एनिमिटीज़ इन द फिल्म इंडस्ट्री। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से फारा और शाहरुख, और आज ये बात सबके सामने साबित हो गई है। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि फारा को उनका बड़ा भाई मिल गया शाहरुख, और शाहरुख को अपनी छोटी बहन मिल गई फारा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए क्या होता है, हर परिवार में कहीं ना कहीं अनबन होती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अनबन खत्म हो जाती है और किस एंड मेकअप होता है, तो आज यही हुआ है। इसमें ईगोस की बात नहीं आती है, इसमें औहदे की बात नहीं आती है, इसमें काम की बात नहीं आती है, इसमें सिर्फ एक ही बात आती है, दिलों का रिश्ता। जो 20 साल से गहरा दिलों का रिश्ता फारा और शाहरुख खान का था, वो आज फिर से गहरा हो गया है, तो बहुत बड़ी बात। अब पार्टी पे मैं था नहीं, मुझे पता नहीं पार्टी पे क्या हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुए, लेकिन जो भी हुआ आज मैं इतना कह सकता हूँ कि नाउ ऑल इज वेल। बॉलीवुड में आप और किसको कर लेनी चाहिए शादी? रितेश जिनेलिया के बाद हम दोनों को। फिलहाल तो ये शादी अच्छी चल रही है, उसके बाद आप अपने बारे में सोचें। आपकी शादी? I don't know. Right now I'm just happy to be at their wedding. Nice to see you. वो मैं नहीं जानती, मैं जिन्हें शादी करना है करिए, I'll be there to attend your wedding. पहले मुझे लड़का तो मिल जाए फिर मेरी हो जानी चाहिए। सलमान भाई को शादी करनी चाहिए अभी नेक्स्ट। मुझे नहीं पता भाई, थोड़ा मेरी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट 5 साल, बाकी जिसकी भी हो जाए, जिसको मिल गया मेरी उसकी शादी हो जानी चाहिए। मेरी फैमिली, मेरे भाई, हम सब के दोस्त मिलकर कुछ कर रहे हैं, जाके देखेंगे क्या यार। उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसके प्रोमोज बड़े अच्छे लग रहे हैं, सो राइट नाउ आई गेट रिमाइंडेड ऑफ दैट फिल्म व्हेन आई सी द प्रोमो। हमने फिल्म के प्रमोज देखे, उसमें हर कोई कहती है नाचो, तो आप भी आज नाचने वाले हैं? थोड़ा भी उसको नीचे रखेंगे, नाचो तो नाचो। 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, या तू मेरा ही हो?